हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, अगर वो दोस्तों से क्या अगर बात होती है, कोई खास दोस्त है, कोई अपना है, तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो शेयर करते हैं और हमें यहाँ से पता चले कि क्या बातें हो सकती है। तो जो भी एनर्जीज में निकल के आता है वो बताने की कोशिश, और रीडिंग को पॉजिटिवली लेना है, जो भी पॉजिटिव फील हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करना है, और जो निगेटिव लग रहा है ना तो बिल्कुल उसे सुन लिया ना बस छोड़ देना है। तो बहुत एक्चुअली कमेंट्स में आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार दे के, विश्वास दे के, और मतलब मेरे ऊपर विश्वास देख के बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली मुझे भी यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि यहाँ पे हो सके तो जितने हो सके आपके सवालों के जवाब आपको शायद मिल ही जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, वो मेरी कोशिश रहेगी। और यूनिवर्स आपके साथ है, ये सिर्फ मैं कहना चाहूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रिक्वेस्टेड टॉपिक में थोड़े थोड़े करके लेते जा रही हूँ, तो ये एक टॉपिक था और भी है तो वो मैं लेना चाहूँगी। हिस्ट्री, ओके, क्या आपको 111 इंजन नंबर काफ़ी दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो हालांकि डायरेक्टली से ही इस चीज़ का कनेक्शन होता है डेफिनेटली, बट ऐसा लगा अचानक से कि रीडिंग कुछ और चीज़ पे हो रही है, फिर भी ऐसा लगा अचानक से फील हुआ कि आपको शायद 111 इंजन नंबर दिख रहा है बार बार। तो इनकी बातें क्या होती है अपने दोस्तों से, दोस्त ऐसा लगता है ना, दोस्त या जो भी जिनके साथ ये बात करते हैं वो हो सकता है कि उनसे सीनियर हो, कोई टीम में सीनियर पर्सन हो, या एक एक्सपीरियंस पर्सन ना जो ऑलरेडी किसी सिचुएशन से गुजरे है। मान लीजिए कि आपके पर्सन मैरिड है, तो सीनियर मेंबर जहाँ पे ऑलरेडी वो मैरिड पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहा है या गुजर चुका है, ये उनको पता है, तो उनसे वो खास करके बातें करते हैं, ऐसा फील हो रहा है। जो जितनी एनर्जी है, अच्छी जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो जो जो नज़र आ रहा है ना वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बात ज़रा ध्यान में रहे। दूसरा चीज़ फील हो रहा है ना कि कभी कभी ऐसा लगता ना कि दोस्त है ना इनका, वो खुद है कभी कभी, मतलब मुझे काफ़ी हद तक में ना अपने आप से भी बातें करते हैं, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है मुझे। मतलब एक रहता ना कि इमेजिनेशन में, अकेलेपन में, या मिरर के सामने कोई अपने से ही बातें करता ना, ऐसे काइंड ऑफ भी फीलिंग होता है। मतलब अपने ही ट्रू सेल्फ से, या अपनी ट्रू सेल्फ एज अ दोस्त बातें करते हैं। पॉसिबल है कि ये पर्सन उनसे कलीग हो और सीनियर हो। घर में भी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, मतलब कोई बड़ा भाई या बड़े चाचा मामा हो जिनसे ना अच्छा खासा बॉन्डिंग है, तो उनसे भी शायद बातें हो सकती हैं, जो सीनियर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बात उनसे शेयर की जा सकती है, ऐसे वाले पर्सन से भी वो शायद बात करते हों। तो बात ये करते हैं कि होने के लिए ना मेरे पास सब कुछ है, जिस करियर के लिए, जिस मकाम के लिए, जिस पैसे के लिए सब कुछ किया ना,
कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटस के लिए या फिर किस चीज़ के लिए आपको अगर छोड़ा है, कि हाँ मुझे ना अकेलेपन की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, कि सेपरेशन दिख रहा है, तो वो फील हो रहा है ना कि एक सिंगल है कोई पर्सन, मतलब स्पेशली वो एक सिंगल सिचुएशन में है. हो सकता है कि वो भीड़ में है लेकिन तन्हा फील करते हैं, या अकेला रहना पसंद करते हैं, या अकेले पढ़ चुके हैं, तो वो सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि सेपरेशन दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है. यहाँ पे वो अपने दोस्त थे जो जिससे भी बात करे, वो बात तो ये करते हैं कि मैंने एक मकाम हासिल किया, मैंने एक पोजीशन हासिल की, एक फाइनेंशियल स्टेटस हासिल किया, शादी भी कर ली अगर घर वाले फोर्स कर रहे थे, तो फिर भी ना वो खालीपन है वो ज़्यादा हो गया. मुझे ऐसा लगा कि चलो ये आया तो लाइफ में सब कुछ जैसे ना ठीक हो जाएगा. आखिर पैसे के पीछे, स्टेटस के पीछे तो दुनिया भागती है, लेकिन एक इमोशनल खालीपन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक फील हो रही है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनसे गलती हो गई थी. तो वो बातें करते हैं कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं लिया होता, लॉजिकली नहीं होता. आज मेरी लाइफ में जो एक पैशन, एक अट्रैक्शन हो या फिर एक खालीपन इमोशंस का, वो काफ़ी हद तक कम है. आज सब कुछ है लेकिन वो नहीं, वो जिसे मैंने कुछ नहीं समझा लेकिन ऐसा लग रहा है कि यस बहुत कुछ था. ऐसा खालीपन है जो किसी से नहीं भरा जा सकता, वही चाहिए एक यूनिकनेस, एक सिंड्रोम ऑफ इट जैसे कहते हैं ना, वैसे वाले चीज. बहुत सारे लोगों ने शायद उनको अप्रोच किया होगा, बहुत अट्रैक्टिव समझते होंगे, प्रपोज किया होगा, सब कुछ है. ये माइट भी ये इन्होंने ट्राई भी किया, टाइम पास भी किया, सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि प्यार में, रिलेशनशिप में कंपैशन हो, कंसर्न हो, केयर हो, प्यार हो, हर चीज आप पे आके रुक गई. पहले जब आपका सेपरेशन हुआ, उनको लगा कि चलो ठीक है, तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने लगा कि ठीक है, कि अच्छा हुआ कि दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिला. शायद हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, शायद आपको कोई बेहतर मिले, शायद मुझे कोई बेहतर मिले, शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. सो कॉल्ड बेहतर चीज़ें उतना वर्कआउट नहीं कर पा रही है, ये वो डिस्कस करते हैं. अभी ऐसा लगा ना कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के लिए ना, फिर वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी हो या फिर घर के बड़े होने की जिम्मेदारी होते हैं, वो जो होती है ना कि घर का बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो तो आपको ये करना चाहिए, ताकि आप अपनी इमोशंस को ध्यान में ना रखें, क्योंकि आपके जो पीछे वाले लोग हैं उनकी लाइफ पे असर पड़ेगा. कोई जिम्मेदारी है या फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर पेरेंट्स से अगेंस्ट जाए तो उनको कैसे देखा जाएगा, या कुछ भी हो, एक जिम्मेदारी है. आपने कमिटमेंट मांगा या आपने शादी के बारे में सोचा, तो शायद वो फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं थे, इसलिए शायद वो इस चीज़ से मुकर गए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं था उतना फाइनेंशियल चीज़ें. लाइक फाइनेंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो आपकी जिम्मेदारी उठाने के तभी काबिल नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे. दूसरा चीज़ फील रहा ना कि इस रिलेशन में ऐसे एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मतलब इनको ना आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील होता है, आपके ज़्यादा आपके लिए इमोशन भी उतना ही फील होता है. हर चीज़ जैसे ना एक बहुत ज़्यादा एक स्पेशली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. तो वो मतलब सोचते हैं, मतलब अपने जो भी जिनसे भी बात कर रहे हैं, स्पेशली वो जो कलीग हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत पता नहीं क्या ऐसा एक खिंचाव है, बहुत ज़्यादा एक पुल है जो उसकी तरफ लेके जाता है, बहुत स्ट्रांगली उसकी तरफ लेके जाता है. काश हमारे बीच वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, काश हमारे बीच जो झगड़े नहीं हुए थे, काश हमारे बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, ये वो सारी बातें करते हैं. काश हमारी शादी हुई होती, काश हमारे बच्चे हुए होते, बहुत अलग होते, बहुत अलग होते, बहुत प्यारे होते, बहुत यूनिक होते. काश मैंने अपने ईगो को, अपनी जिद को बाजू में रखा होता, काश मैंने अपनी जिम्मेदारी को भी बाजू में रखा होता, काश उस पल में अपने बारे में सोचा होता, सिर्फ अपने बारे में नहीं,
आपके बारे में भी सोचा होता, हम दोनों के बारे में सोचा होता, तो आज ये काश कहने की नौबत नहीं आती, ये सारी बातें करते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ना वो कहना चाहते हैं, जो भी सच है, जो भी सच है, भले उन्होंने शादी कर ली हो, भले उन्होंने रिलेशनशिप्स ट्राई की हो, भले वो अपने करियर पे फोकस्ड हो या आपसे दूरियां बना के बैठे हैं, लेकिन वो आपके सामने आना चाहते हैं एक नई शुरुआत के लिए। ऐसी नई शुरुआत भले वो मूव ऑन भी करें, लेकिन क्लैरिटी देना चाहते हैं, सच कहना चाहते हैं, वो चीज़ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना, वो जब अपने दोस्त से बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि काश क्या एक मौका मिल सकता है, काश क्या कोई नई शुरुआत हो सकती है, क्या ये सब कभी ठीक भी हो सकता है, इज देयर एनी सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एक खालीपन है और एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो काश एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या, इस बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत थक गया हूं ये सब सहते सहते करते करते, ऐसा लगता है कि कोई अपना जो मेरा था वो वापस आ जाए और मेरा भी उतनी ही शिद्दत से ख्याल रखे, उस वही प्यार हो, भले झगड़ा हो, नोकझोंक हो, बट वो हो, वो जो मुझे अधूरे से पूरा करता है वो हो। ऐसी बातें वो करते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उलझन हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं जो इस चीज़ को नकार सकते हैं, बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि काश आप मिल जाओ, काश सब कुछ टाइम ट्रैवल हो, पीछे जाके सब बदल सके, गलतियाँ सुधार सके, काश ऐसा हो, ये वो सारी बातें करते हैं, अपनी दिल का हाल बहुत ज़्यादा उनसे कहते हैं कि बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ मैं इसे, बहुत अट्रैक्टेड हूँ, बहुत मिलना चाहता हूँ मैं इससे, बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, इसीलिए रुका हूँ। काश मेरा कोई इसे सब ठीक हो जाए, ये सब बातें करते हैं। लेट्स सी कि इनकी मन में कैसा है ना, कि ये जो बातें हैं ना जब डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या अपने खालीपन का। अभी ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, कुछ मौका, कुछ की ज़रूरत है, लाइक मौके की ज़रूरत है। उनके साइन एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। साइन सभी है, लेकिन उसमें मुझे ना कैंसर टॉरस एरीज, मतलब कि कैंसर इसमें है नहीं, बट मतलब मुझे फीलिंग आ रही है कैंसर की, स्कॉर्पियो की भी। यस, क्रॉसिंग ब्रिजेस, ओके एंड बिगिन नाउ। सो एग्जैक्टली बिगिन नाउ, तो टेक योर फर्स्ट स्टेप। मुझे लगता है ना ये जैसे इनके लिए एडवाइस निकल गया, बट ये एनर्जी जैसे ना आपके लिए हो, आपके लिए वो स्टेप उठाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने लिए कदम उठाएं, अपनी सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ वर्थ, इसके ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, डेफिनेटली चीज़ें आपको मैग्नेट बना देंगी और चीज़ें, मतलब ये पर्सन है वो आपकी तरफ खींच के आएंगे। क्लैरिटी, फॉरगिवनेस, हर चीज़ ज़रूरी है, हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि ये जो मिलने की डिज़ायर है, ये जो टेलीपैथिक कनेक्शन आपके बीच में हो रहा ना, लाइक क्रॉसिंग द ब्रिजेस, सेपरेशन है, आप वहाँ यहाँ सब एक सेपरेशन है, लेकिन अभी वो चीज़ें ना कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे से, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। एंड वो कहीं ना कहीं कुछ
टेलीपैथी के लिए सही, बट किसी से बात करते ही सही, एक अजीब सा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और हो ना हो वो भी कहीं पे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से, और उसकी वजह से उनकी इनडायरेक्टली से हीलिंग हो रही है। यहाँ पे आपकी भी इनडायरेक्टली से हीलिंग हो रही है, और यही चीज़ें आपके दोनों के बीच में कनेक्ट हो रही है, एक कनेक्शन जोड़ रही है, वो फीलिंग आ रही है मुझे। तो आपके लिए ये टाइम हीलिंग का है, मेंडिंग का है, रिलीजिंग का है और कनेक्टिंग का है। तो दोनों बार ऐसा है कि कनेक्शन है, कनेक्शन होगा, लेकिन टेलीपैथी के लिए भी कनेक्शन किया जा सकता है। सामने जाए तो इंसान अपने टर्म्स पे आएगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। बट फिर भी हमेशा की तरह आप आगे आके झुको, ये मैं नहीं चाहती, बस इतना ही है। तो मैनिफेस्टेशन जो कर सकते हैं ना हम, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, पॉगिनेस थेरेपी कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, उसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।